हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कावेश शर्मा। आज मैं आपके साथ ह्यूज अमेज़ॉन और मीशो हॉल शेयर कर रही हूँ। मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किए थे, वन बाय वन उनकी अनबॉक्सिंग और उनका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। फर्स्ट जो ऑर्गेनाइज़र है, इसे मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। ये देखिए, मुझे इस तरह से ये रिसीव हुआ है कार्डबोर्ड बॉक्स में। इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और मैं अनबॉक्सिंग इसलिए भी शेयर कर रही हूँ, अगर आप भी ऑर्डर करते हैं तो आपको किस तरह से रिसीव होगा वो भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से फर्स्ट बॉक्स में मुझे ये दो जो हैं डोर हुक मिले हैं, जो इसमें की 5 लेवल हैं। इनको भी मैं ओपन करके दिखाऊंगी अभी आपको। इसकी जो थिकनेस है वो 30 से 35 mm तक है और 5 kg तक इसके ऊपर आप वेट जो है वो हैंग कर सकते हैं। ये प्लास्टिक के हैं और एक डार्क कलर का है और एक लाइट शेड में है। मैंने किस पर्पज़ से ऑर्डर किया है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी। ये देखिए, प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसमें देखिए 5 लेवल। और ये देखिए पीछे, इस तरह से आप इसको डोर के ऊपर हैंग कीजिए या कर्टन रोड में हैंग कर सकते हैं। इसमें कोई ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं या जिनका अपना भी घर है लेकिन उनको ड्रिलिंग करना या स्क्रू लगाना या नेल्स लगाना पसंद नहीं है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है मेरा वीडियो। ये देखिए, इसमें भी 5 लेवल हैं। ये वाइट कलर का है। और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, ना केवल ऑर्गेनाइज करते हैं बल्कि हमें ड्रिलिंग से भी बचाते हैं। ये देखिए, मैं आपको डोर पर भी इसको हैंग करके दिखा रही हूँ और कर्टन रॉड के ऊपर भी हैंग करके दिखा रही हूँ। इसके ऊपर मैंने स्पोर्ट्स कैप जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए जो मैंने पे किया है दो के लिए, वो 325 रुपीज़ पे किया है। सेकेंड जो ऑर्गेनाइज़र है, इसे भी मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था। ये एक मेटल का हैंगर है और ये आपको 3 पीसेज में मिलेगा। ये देखिए, मैं अलग करके दिखा रही हूँ। ये इस तरह से मुझे 3 पीसेज में ये मुझे मिला था और इसमें जो है ये 6 लेवल हैं। ऊपर नाइस डे लिखा है वाइट कलर से और जो मेटल है ये भी काफ़ी मजबूत है, हल्का फुल्का नहीं है। बस आपको इस तरह से ये जो अटकाने हैं, और चाहे तो आप इसे डोर के ऊपर हैंग कीजिए या जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप हैंग कर सकते हैं। इसके ऊपर आप पर्सीज हैंग कीजिए, क्लोथ हैंग कीजिए, कुछ भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैंग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि दरवाज़े पर इसको हैंग करने के बाद दरवाज़ा बंद नहीं होगा। ये देखिए, मैं आपको पिक्चर्स भी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जो पे किया है 279 रुपीज़ पे किया है। थर्ड जो ऑर्गेनाइज़र है, इसे भी मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था और ये देखिए, इस तरह से मुझे बॉक्स में रिसीव हुआ है। इसको भी ओपन कर रही हूँ। ये प्लास्टिक के तो बास्केट्स हैं। ये देखिए इस तरह से, और इनके साथ जो है एडहेसिव है, यानी इन्हें भी आपको ड्रिलिंग करके या स्क्रू वगैरह लगाकर नेल्स लगाकर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे किचन में, बाथरूम में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। एक लाइट कलर में है और एक ब्लू शेड में है। प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छी है। और देखिए इस तरह से ये 4 जो हैं इसमें एडहेसिव हैं। और इनको लगाने का तरीका ऐसा है कि आप मेजर कीजिए दोनों हुक्स के बीच का स्पेस, और ये पीछे जो है इस तरह से ये प्लास्टिक का अटैच है, इसको हटाइए और इसे आप ग्लास पर, वुडन पर या टाइल्स पर स्टिक कीजिए और हैंग कीजिए। ये देखिए, इस तरह से बाथरूम में और किचन में आप दोनों जगह हैंग कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 249 रुपीज़ पे किया है। फोर्थ ऑर्गेनाइज़र जो है, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था। इसकी भी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको ज़रा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई भी आइटम इसमें से आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए।
आप बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नहीं तो मेरे आने वाले वीडियो आप मिस कर देंगे। आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से ये बबल रैप होकर मुझे रिसीव हुआ है। ये मेटल का टू शेल्स का जो है ऑर्गेनाइज़र है, इसे आप अपने ऑफिस टेबल पर रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं और इसको उठाना भी बहुत इजी है। ये देखिए ऊपर से इस तरह से मेटल का ही हैंगर है, आप इसे हैंग भी कर सकते हैं। और नीचे जो है इसके रबर पैड हैं जिससे कि ये स्टेबल रहता है, हिलता डुलता नहीं है। मैंने इसे अपनी किचन में रखा है। ये वाइट कलर में भी अवेलेबल है और इसके ऊपर मैंने अपनी मिक्सी वगैरह रखी हैं। इसके लिए मैंने पे किया है 575 रुपीज़। फिफ्थ ऑर्गेनाइज़र जो है इसे मैंने मीशो से ऑर्डर किया था और ये देखिए ये बॉक्स मुझे इस तरह से रिसीव हुआ है। इसकी भी अनबॉक्सिंग करती हूँ। हालांकि ये प्रोडक्ट आपको अमेज़ोन पर भी मिलेगा लेकिन प्राइस डिफरेंस होने की वजह से मैंने जो है ये मीशो से ऑर्डर किया है, क्योंकि अमेज़ोन पर इसका प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा था। ये आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा होगा ये ऑर्गेनाइज़र। ये प्लास्टिक का मैंने 3 लेयर वाला ऑर्डर किया था, हालांकि इसमें भी आपको 5 लेयर, 4 लेयर और 6 लेयर का भी ये ऑर्गेनाइज़र मिलता है। इसमें ये काफ़ी अलग अलग पार्ट्स हैं जिन्हें असेंबल करना पड़ता है, जो कि बहुत इजी है असेंबल करना। ये देखिए इस तरह से इसके नीचे टायर लगते हैं। मैं असेंबल करने के बाद की पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये काफ़ी कम स्पेस में जो है ऑर्गेनाइज हो जाता है। मैंने इसे अपने फ्रिज और प्लेटफॉर्म के बीच के स्पेस, जो कि बहुत कम स्पेस है, उसमें इसको ऑर्गेनाइज किया है। और इसके ऊपर भी आप काफ़ी चीज़ें अपनी सेव करके रख सकते हैं। मैं पिक्चर्स के साथ आपको शेयर कर रही हूँ मैंने इसे किस तरह से यूज़ किया है। ये देखिए मैंने कितने कम स्पेस में इसे ऑर्गेनाइज़ किया है और काफ़ी मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें ऑर्गेनाइज हुए हैं, मसाला वगैरह। इसके लिए जो मैंने पे किया है वो 508 रुपीज़ पे किया है। 6 जो ऑर्गेनाइज़र है इसे भी मैंने अमेज़ोन से ही ऑर्डर किया था। ये देखिए मुझे इस तरह से पैकेट में रिसीव हुआ है ये, और ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। इसकी भी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। ये हैं मल्टी लेयर प्लास्टिक के हैंगर, जो कि 3 का सेट है। ये प्रॉपर बबल रैप होकर मुझे मिला है। पैकिंग काफ़ी अच्छी है, हालांकि ये प्लास्टिक के हैं, टूटने का डर नहीं होता इसमें, लेकिन सेलर ने काफ़ी अच्छे से इसको पैक करके भेजा है। ये देखिए येलो कलर में है। इसमें ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 लेयर्स हैं, यानी आप एक हैंगर में 5 क्लोथ्स हैंग कर सकते हैं। ये काफ़ी ऑर्गेनाइज करता है। ब्लू कलर में है, पिंक कलर में है और ड्यूरेबल है ये। मैंने इसे किस तरह से यूज़ किया है वो भी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने पे किया है 189 रुपीज़ और प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।